बागवान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देयार के पेड़ के ऑयल के बारे में कुछ टिप्स। ये बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा का उपयोग हम चाहे आप हमारे बगीचे में रिंग बोरर की समस्या हो या जड़ सड़न की हो या फिर पेपर बारीक रोग हो या कैंकर की समस्या हो, सभी समस्या का समाधान एक जो है देयार का तेल है। देयार का तेल निकलता है ठुंठों से, जैसे कि देयार के पेड़ का जो ठुंठ रहता है पुराने से पुराना ठुंठ, उससे तेल निकलता है। मिट्टी के मटके में लकड़ियाँ छोटी छोटी डाल के और उसको गर्म करके आग में निकाला जाता है तेल। हमारी फाड़ी भाषा में इसे कहते हैं कीड़ों का तेल। कीड़ों का तेल बहुत ही जहरीला जहर है और कीड़े मकोड़े इसके नज़दीक नहीं आते हैं। यदि हम इसका उपयोग सेब में करें, सेब के कीड़े मारने के लिए करें, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इसको यूज़ 4 साल से कर रहे हैं। तभी हम हर जो एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़, हर जानकारी को आपके बीच में शेयर करता रहता हूँ। इसका इस्तेमाल करना है। इस पेड़ में छेद कर दिया हुआ है और इस छेद में करना क्या है, हमने पहले तार द्वारा इस तरह से छेद को साफ करें और उसके साफ करने के बाद क्या करें, इस ऑयल को किसी छोटी बोतल में डालें। यहाँ देख सकते हैं आप कीड़ों का तेल, और उसके बाद कपड़ा या कॉटन छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालें भिगो के। वैसे तो हम मिट्टी तेल या पेट्रोल भी डालते हैं, तो उससे बेहतर रहा हमारे को ये जो देयार का जो ऑयल है सबसे बेस्ट। और खाए हुए भाग को इस देयार के ऑयल को लगाए, तो प्लास्टिक बन गया कुंडा। फिर इस कॉटन को निकाल के और जहाँ रिंग किया हुआ है, जहाँ ड्रिल किया हुआ है कीड़े ने, ड्रिल में इसको डाले ताकि वो कीड़ा अंदरों अंदर ही पूरी तरह नष्ट हो जाए। और एक इस और फायदा है, जितना भी इसने घाव किया हुआ कीड़े ने, तो पूरी तरह इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल जीरो बस्त वाला है, इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद थोड़ा मिट्टी का लेप लगाए बाहर से, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा समस्या रिंग बोरर और जड़ सड़न की है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण घास है।
और इस ऑयल का उपयोग आप सर्दियों में स्प्रे के लिए भी कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 3 लीटर ऑयल। और जहाँ भी आपके पेपर बारीक या कैंकर लगा होगा इस ऑयल का लेप करें और बहुत ही जल्दी इम्प्लोव होगा, ना कोई कैंकर आएगा बगीचे में ना कि पेपर बारीक आएगा। और जो अगली वीडियो बनेगी हमारी ऑयल निकालने की, उसमें पूरी विधि बताई जाएगी। यदि आपके पेड़ों में इस तरह की समस्या, तो इस तरह की समस्या के लिए भी ये ऑयल कारगर है। जैसे ये रूट्स निकल रहे हैं, ये भी बहुत ही घातक बीमारी है क्योंकि ये पेड़ को ग्रो करने नहीं देता, ऊपर ग्रोथ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यदि भागों में आप लगाएंगे तो अगले साल देखेंगे आपको भाई कोई भी इस तरह से रूट्स नहीं निकलेंगे ऊपर से। जैसे कि आप देख रहे कि भाई इस साइड को पूरा ही जड़ सड़ से ख़त्म पेड़ हो गया था। जब मैंने इसमें 15 दिन पहले इसका लेप लगाया तो देयार के ऑयल का एक काफ़ी हद तक उपलोम हो गया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप बागवान भाइयों, मैं हर चीज़ एक्सपेरिमेंट की हुई बागवानी की, जितनी कर भी एक्सपेरिमेंट आज तक हमने हर बीमारी के बारे में किया हुआ वो मैं आपके बीच में शेयर करता रहूँगा।